मध्य प्रदेश में किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसान खुश थे, लेकिन सरकार का एक साल बीतने के बाद किसान और गरीब अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। एक बार फिर एक किसान का गीत वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहा है, मामा शिवराज तुमको आना पड़ेगा, बंद योजनाएं सारी चलाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में गरीब किसान परेशान थे और उन्होंने बहुत छोटे से अंतर से सत्ता की चाबी कांग्रेस को सौंप दी। कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और हर किसान का कागजों पर 2 लाख का कर्ज माफ कर दिया गया। गरीब और किसान के लिए बड़े बड़े दावे और वादे किए गए। सबको लग रहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और बीजेपी की विदाई और कांग्रेस और कमलनाथ की अगुवाई में सबसे निचले तबके को सबसे पहले लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कर्ज माफी का मामला तमाम खामियों में फंस गया। अब तक किसान का ना तो 2 लाख का कर्ज माफ हुआ और ना गरीब गुरबों के लिए कोई योजना धरातल पे आई। जो योजनाएं चल रही थी वो और बंद हो गई। ऐसे में किसान अलग अलग तरह से अपनी पीड़ा का इजहार कर रहे हैं। अब फिर एक परेशान किसान का गीत सामने आया है जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ से कोई शिकायत नहीं है, मगर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा जा रहा है कि मामा शिवराज तुमको आना पड़ेगा, बंद योजनाएं सारी चलाना पड़ेगा। ओ मामा शिवराज तुमको आना पड़ेगा, बंद योजनाएं सारी, बंद योजनाएं सारी चलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। मामा शिवराज तुमको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। न बोनस समर्थन, न कर्जा की माफी बड़ी हो रही है, ना इंसाफी। न बोनस समर्थन, न कर्जा की माफी बड़ी हो रही है, ना इंसाफी। हो किसानों का हक ही तुमको दिलाना पड़ेगा, दिलाना पड़ेगा। बंद योजनाएं सारी, बंद योजनाएं सारी चलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। मामा शिवराज तुमको आना पड़ेगा, हो आना पड़ेगा। इस गीत को गाने वाले किसान का नाम अनूप दुबे है और यह देवास के खातेगांव इलाके के मंडलेश्वर गांव का रहने वाला बताया जाता है। अनूप अपने खेतों पर से ही किसानों की समस्याओं और उनके दुख दर्द को गीतों के जरिए सबके सामने लाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ से निवेदन करते हुए एक गीत वायरल किया था जिसके जरिए पहली बार मध्य प्रदेश के किसानों की पीड़ा आम लोगों तक पहुंची थी। यह सब जाहिर करता है कि भोपाल में बैठे अफसर और सत्तारूढ़ पार्टी के नेता जो कहते हैं और बताते हैं, मैदानी हकीकत ठीक इसके विपरीत है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसान को सरकार का शोक गीत नहीं गाना पड़ता। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।